अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा इंग्लिश ए का लेक्चर है और हम अपने इस लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर माय अर्ली होम का काम करेंगे। माय अर्ली होम, मेरा इब्तदाई घर। इसमें घोड़ा अपने इब्तदाई घर के बारे में बता रहा है। घोड़ा कहता है, पहली जगह जो मुझे बहुत अच्छे से याद है वो खुशगवार चरागाह, जिसके साथ साफ पानी का पोंड, सायादार दरख्त और उसके इर्द गिर्द वाटर लिलीज और पौधे वगैरह हैं। वो कहते हैं, एक तरफ हमें जो है वो खेत नज़र आते थे और दूसरी तरफ जो था वो हमारे मास्टर का घर था। वो घोड़ा कहता है, जब मैं छोटा सा था मुझसे ग्रास नहीं खा सकता था और अपनी मदर मिल्क के ऊपर पलता था, तो मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैं हर वक्त दिन रात जो है वो अपनी माँ के साथ वक्त गुजारता था। लेकिन जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, खुद से ग्रास खाने लगा, तो मेरी माँ मुझे दिन के वक्त जो है वो छोड़कर काम पर चली जाती है और इसी तरह शाम को वापस आती। वो घोड़ा कहता है कि जब मेरी माँ मुझे काम पर छोड़कर जाती थी तो जिस जगह मैं रहता था चरागाह में, तो वहाँ मैं अकेला नहीं होता था, मेरे साथ 6 और कोट्स थे, लेकिन वो मेरे से थोड़े से बड़े थे। मैं उनके साथ मिलकर खेलता, मज़ा करता, भागता, खेतों में जाता और इस तरह जब हम बहुत ज़्यादा खेलते तो खुशी में ही आकर हम एक दूसरे को काटते और मारते ताकि हम दूर तक भाग सकें। वो फिर क्या कहता है, एक दिन क्या हुआ, हम एक दूसरे को किक कर रहे थे तो मेरी माँ ने देख लिया और मेरी माँ ने हिन हिनाने होता है जो घोड़ों की आवाज़ होती है, वो हिन हिनाने की आवाज़ निकाल कर मुझे बुलाया और कहा, जो मैं कह रही हूँ उसे गौर से सुनो। बाकी घोड़े जो यहाँ पर हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन वो टांगे वाले घोड़े हैं, उन्हें मैनर्स बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तुम एक तमीज़दार घोड़े हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे बाप का बहुत नाम है और तुम्हारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जिन्हें ग्रैंड फादर जो है वो न्यू मार्केट में रेस में उन्होंने कप को वन किया था, और तुम्हारी जो ग्रैंड मदर है वो उनका अंदाज़ जो है वो बहुत शफीकाना है, और मेरे ख़्याल से तुमने कभी मुझे भी किसी को काटते या मारते हुए नहीं देखा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अच्छे काम करोगे, बुरे कामों से बचोगे, हत्ता के खेल के दौरान भी किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाओगे। वो घोड़ा कहता है कि मैं अपनी मदर की इस नसीहत को कभी नहीं भूला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो एक अक्लमंद हॉर्स हैं, हमारे मास्टर ने उनकी बहुत अच्छी तरबियत की है। वो कह रहे हैं, मेरी मदर का जो नाम है वो डिचिस है, मगर उनके मास्टर उन्हें अक्सर पेट कहते थे। हमारे जो वो कह रहे हैं मास्टर, वो बहुत अच्छे और रहमदिल इंसान थे। यहाँ पर वो जो है हॉर्स अपने मास्टर की तारीफ़ करता है और कहता है कि वो बहुत अच्छे और रहमदिल इंसान थे, उन्होंने हमें खुराक और रिहाइश देते और हमसे बिल्कुल अपने बच्चों जैसा सलूक करते। और उसकी जो मदर थी, बेबी जो था हॉर्स का, उसकी जो मदर थी वो क्या करती थी, उस मास्टर को टाउन में मार्केट में लेके जाया करती थी। तो वो कहते हैं कि वो मेरी माँ को थपथपाते और मेरे बारे में पूछते कि तुम्हारा डार्की कैसा है। डार्की उसे क्यों कहते थे, क्योंकि वो डार्क ब्लैक कलर का था ना, तो इस वजह से उसे डार्की कहा करते थे वो। तो उसके बारे में पूछते हैं और वो कहते हैं कि मेरे लिए ब्रेड का पीस लेके आते हैं, मेरी मदर को कैरेट देते हैं, हम बाकी तमाम हॉर्सेस में उनके बहुत फेवरेट थे। घोड़ा बताता है कि यहाँ खेतों में जो था एक प्लोबॉय था। प्लोबॉय क्या होते हैं, हल चलाने वाले को कहते हैं, जो खेतों में हल चलाते हैं। उसका नाम जो था वो डिक था। वो खेतों में अक्सर औकात आता, ब्लैकबेरीज तोड़ता और जितना उसे खाना होता था वो खाता, और उसके बाद वो उन कोल्ट्स के साथ फन करने के लिए उन्हें क्या करता, स्टिक्स और स्टोन्स मारता। तो अक्सर औकात जो है वो स्टोन्स वो कोल्ट को बहुत ज़ोर के लगते और उन्हें तकलीफ सी महसूस होती, लेकिन वो अपनी तरफ से उनके साथ फन करता, उनके साथ खेलता था। एक दिन वो घोड़ा बताता है कि वो उनके साथ यही गेम खेल रहा था कि वो नहीं जानता था कि जो मास्टर थे उनके वो दूसरे जो फील्ड में मौजूद थे और वो ये सब कुछ देख रहे थे। इसी तरह वो अगेन खेल खेलते हैं, उन्हें स्टोन्स और स्टिक्स वगैरह मारते हैं, तो उसका जो है मास्टर देखते हैं, फौरन उसके पास आते हैं और उसके बाजू से पकड़ते, उसे सीधा करते और उसके कान को ज़ोर से पकड़ते हैं, जिससे उसे तकलीफ़ सी महसूस होती है और वो हैरान रह जाता है कि ये कहाँ से आ गए हैं। और कहते हैं, बैड बॉयज़, बुरे लड़के,
बुरे लड़के, क्या तुम अगर तुमने ये काम पहली दफ़ा किया है या दूसरी दफ़ा, लेकिन ये आखिरी दफ़ा है, अपने मनी लो, पैसे लो और यहाँ से चले जाओ और यहाँ दोबारा कभी नज़र ना आना। और ऐसा ही होता है, वो डिक को वहाँ से उसके पैसे देकर निकाल देते हैं, तो डिक दोबारा कभी उधर नहीं आता। उसकी जगह वो ओल्ड डैनियल नामी शख्स को रख लेते हैं जो उनके हॉर्सेस की देखभाल करता है। वो भी अपने मास्टर की तरह बहुत रहमदिल और अच्छा इंसान होता है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग करते हैं। फर्स्ट वर्ड है बॉक्स, मारना, ब्रुक, नदी या चश्मा, कोल्ट, नौजवान घोड़ा, गैलप, घोड़े का तेज दौड़ना, गिग, हल्की गाड़ी, लॉजिंग, रात गुजारने की जगह, मीडो, चरागा, क्लो, हल चलाना, रशिस, पौधे, वेलब्रेड, अच्छी तरबियत, विनिट, हिनहिनाना। हिनहिनाना जो है वो घोड़े की आवाज़ को कहते हैं, वो जो आवाज़ निकालते हैं उसे। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ब्लैक ब्यूटी लिव ऑन बिफोर ही कुड ईट ग्रास, कि ब्लैक ब्यूटी जो है वो ग्रास खाने से पहले किस चीज़ पे पलता था। ही लिव्ड ऑन हिज मदर्स मिल्क बिफोर ही कुड ईट ग्रास, कि वो अपने मदर मिल्क पर पलता था। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड वंस ब्लैक ब्यूटी वॉज ओल्ड इनफ टू ईट ग्रास, जब वो बड़ा होके ईट ग्रास उससे खाने लगा तो क्या हुआ। एज सून एज ब्लैक ब्यूटी वॉज ओल्ड इनफ टू ईट ग्रास हिज मदर यूज टू गो आउट टू वर्क इन दी डे टाइम, तो उसकी मदर क्या करती थी, दिन के टाइम काम करने के लिए चली जाती थी जब से वो खुद से ग्रास खाने शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर थ्री इज व्हाट एडवाइस डिड ब्लैक ब्यूटी मदर गिव हिम, ब्लैक ब्यूटी की मदर ने उसे क्या एडवाइस की थी। ब्लैक ब्यूटीज मदर एडवाइस वॉज टू ग्रो अप जेंटल एंड गुड एंड नेवर लर्न बैड वेज, की ब्लैक ब्यूटी की मदर ने एडवाइस की थी कि आप अच्छे बनो और बुरे जो अंदाज हैं बुरे तरीके हैं वो नहीं सीखने। क्वेश्चन नंबर फोर इज व्हाट जॉब डज द मास्टर डू, मास्टर जो है वो क्या जॉब करते थे। द मास्टर कीप्स हॉर्सेस, उन्होंने घोड़े पाले हुए थे रखे थे एंड गोज टू मार्केट, और मार्केट जाते थे। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव इज व्हाट डू वी लर्न अबाउट ब्लैक ब्यूटीज ग्रैंड पेरेंट्स, कि ब्लैक ब्यूटी के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके बारे में हमने क्या पढ़ा। ब्लैक ब्यूटीज ग्रैंड फादर ओन द कप एट द न्यू मार्केट, कि उनके जो ग्रैंड फादर थे उन्होंने न्यू मार्केट में ड्रेस में जो कप ओन किया था एंड हिज ग्रैंड मदर हैड अ वेरी स्वीट टेम्पर, के उसके जो ग्रैंड मदर थी उनका जो था अंदाज बहुत शफीकाना था। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज व्हाट डिड द मास्टर कॉल ब्लैक ब्यूटी एंड वाई, के मास्टर उस घोड़े को ब्लैक ब्यूटी कहते थे क्यों। द मास्टर कॉल्ड ब्लैक ब्यूटी डार्की बिकॉज ही वॉज अ डल ब्लैक कलर, कि उसका डल ब्लैक कलर था इसकी वजह से उसे क्या कहते थे ब्लैक ब्यूटी। और क्वेश्चन नंबर सेवन इज हु इज ओल्ड डैनियल, ओल्ड डैनियल वॉज द मैन हु लुक्ड आफ्टर हॉर्सेस, ओल्ड डैनियल जो था वो घोड़ों की देखभाल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु माइट हैव सेड द फॉलोइंग, कि यहाँ पे कुछ डायलॉग्स आपको दिए गए हैं, आपने बताना है कि स्टोरी में ये किसने बोले हैं। फर्स्ट डायलॉग है हैव अ गुड डे एट वर्क मॉम, ये ब्लैक ब्यूटी ने कहा था अपनी मदर से। सेकंड है वुड यू लाइक सम ब्रेड, किसने कहा था, द मास्टर ने। थर्ड वाला यू आर माई फेवरेट हॉर्स, ये फेवरेट हॉर्स वाला से डायलॉग किसने कहा था, द मास्टर। फोर्थ वाला है डैड्स बॉय विल नेवर वर्क हियर अगेन, किसने कहा था कि लड़का दोबारा काम नहीं यहाँ पर करेगा, द मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर इज अ लाइन फ्रॉम दिस स्टोरी, ये लाइन जो है स्टोरी से ली गई है। थिंक अबाउट इट केयरफुली देन आंसर द क्वेश्चन, इसके बारे में गौर से सोचें और फिर इन सवाल के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर वन इज हु आर व्हेन ही हैड ईटन ऑल ही वांटेड ही वुड हैव व्हाट ही कॉल्ड फन विद द कोल्ड्स, के वो सब कुछ खा चुका था जो वो खाना चाहता था, उसके बाद वो कोल्ड्स के साथ फन करने लगा। क्वेश्चन नंबर वन इज हु आर दीज वर्ड्स अबाउट, ये वर्ड्स किसके बारे में है, डिक, क्योंकि प्लो बॉय कौन था, डिक था ना, उसने ये वर्ड्स कहे थे, उसके बारे में ये वर्ड्स आ रहे।
क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट हैज ही बीन ईटिंग, उसने क्या खा, वो क्या खा चुका था, ब्लैक बेरीज, कि उसने ब्लैक बेरीज खाई थी। क्वेश्चन नंबर थ्री इज व्हाट इज हिज जॉब, उसकी जॉब क्या थी, प्लो बॉय था, खेतों में हल चलाता था ना। क्वेश्चन नंबर फोर इज व्हाट डज ही डू डैट ही कॉल फन, वो क्या करता था जिसे वो फन कहता था, ही थ्रो स्टिक्स एंड स्टोन्स एट द हॉर्सेस टू मेक देम गैलप, कि वो उन्हें स्टिक्स और स्टोन्स मारता था हॉर्सेस को ताकि वो तेज भागें। क्वेश्चन नंबर फाइव इज व्हाई इज इट नॉट फन फॉर द कोल्ड, से कोल्ड्स के लिए फन क्यों नहीं था, समटाइम्स द स्टोन हिट देम एंड हर्ट देम, कि अक्सर ओकास स्टोन जो थे वो उन्हें लग जाते थे जिससे उन्हें तकलीफ होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड नोट टू द फॉलोइंग सेंटेंस, यू विल हैव टू चेंज सम ऑफ द वर्ब्स, के यहाँ पे जो आप देख लें ब्लैक ब्यूटी एट ग्रास, के एट जो है वो सेकंड फॉर्म है और यहाँ पास टेंस की बात की जा रही है, जब हम इसे चेंज करेंगे नोट इंटर नेगेटिव सेंटेंस में तो यहाँ पर जो है वो डिड यूज़ होगा और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, जैसे ब्लैक ब्यूटी एट ग्रास, ब्लैक ब्यूटी डिड नॉट ईट, आगे फर्स्ट फॉर्म ग्रास। अगेन द मास्टर वेंट टू मार्केट, द मास्टर वेंट के आगे डिड नॉट आ गया, वेंट की फर्स्ट फॉर्म आ गई गो टू मार्केट। थर्ड वाला है द कोर्ट्स लाइक रफ प्ले, आ जाएगा द कोर्ट्स डिड नॉट लाइक की आगे फर्स्ट फॉर्म लाइक रफ प्ले। नेक्स्ट है द मास्टर मूव स्लोली, द मास्टर डिड नॉट मूव slowly। फिफ्थ है Dick heard a sound in the bushes, तो हो जाएगा Dick did not hear a sound in the bushes। सिक्स्थ है Dick spoke kindly to the horses, Dick did not spoke की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी speak kindly to the horses। नेक्स्ट क्वेश्चन इज put out all the pronouns in the sentences given below, कि यहाँ पे जो है वो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें हमें प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है। प्रोनाउंस क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, के वो अल्फाज जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल अली इज़ ईटिंग एन एप्पल, अली ईट्स लाइक्स एप्पल, यानी अली सेब खा रहा है, अली को सेब पसंद है, तो जब हम इसे प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो ये होगा अली इज़ ईटिंग एन एप्पल ही लाइक्स एप्पल, कि अगेन अली का नाम यूज़ करने के बजाय हमने उसे प्रोनाउन कर दिया कि उसे, तो आ जाएगा बॉय था ना अली, तो वहाँ पे हम लगा देंगे ही। इसी तरह यहाँ पे जो हमें सेंटेंस दिए गए हैं वहाँ हमने प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है, जैसे आई एम अ हॉर्स एंड माई नेम इज़ ब्लैक ब्यूटी, आई और माई क्या हो जाएंगे, ये प्रोनाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में है दिस इज ए फार्मर, ही इज कॉल्ड मिस्टर जॉन्स, ही क्या हो जाएगा प्रोनाउन। नेक्स्ट में देखे ही गिव्स अस कैरट्स एंड हे, ही और अस क्या हो जाएगा प्रोनाउन। अगेन वी हैव अ लॉट ऑफ हॉर्सेस इन आर फील्ड, वी और आर क्या हो जाएंगे प्रोनाउन। फिफ्थ आई लाइक वॉचिंग देम गैलप, आई और देम हो जाएंगे प्रोनाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्प्लीट दी सेंटेंसेज यूजिंग टू प्लस अ वर्ब, कि इस सेंटेंस को हमने कम्प्लीट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू लगाएंगे उसके साथ वर्ब लगा देंगे। वर्ब मैंने आपको पहले भी बहुत से लेक्चर्स में बताया, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, तो अब हम ये कम्प्लीट करते हैं। फर्स्ट है द बॉयज वर अलाउड टू एक्सप्लोर द फोर्ट, सेकेंड नो बडी इज परमिटेड टू एंटर द फोर्ट, राहिम लाइक्स टू विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑन संडे, फोर्थ है द बिल्डर वॉन्टेड टू फिनिश देयर वर्क, फिफ्थ वी हैव ऑलवेज ट्राइड टू हेल्प द पुअर, सिक्स आई लॉन्ग टू प्ले आउटसाइड। आई होप क्लास के आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इस काम को अपने नोट्स के ऊपर इसी तरह नीट राइटिंग में करना है और इसे बहुत अच्छे से लर्न भी कर लीजिएगा, और मंडे के दिन इसे स्कूल में आके चेक करवाना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।